नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश जो है वो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ रिटायरीज के जो प्रेसिडेंट है गुरमुख सिंह और जो ऑनरेबल लीगल एडवाइजर है सुरजीत सिंह, तो उनके द्वारा एक मैसेज जो है वो दिया गया है, तो उसी के संदर्भ में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो यह दोस्तों ये जो मैसेज है तो वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो उनकी सुनवाई के संदर्भ में, तो यह दोस्तों ये जो अपडेट है तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो महत्वपूर्ण मैसेज ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में है तो उनकी सुनवाई के संदर्भ में दिया गया है तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस मैसेज में कहा गया है कि विद द स्टार्ट ऑफ वर्चुअल हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट मेंबर हैव बीन राइटली एक्सपेक्टिंग दैट अवर केसेस पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट विल ऑल्सो बी हर्ड एंड अ फेवरेबल डिसीजन अनाउंस बाय द कोर्ट। We have also received call from a number of persons seeking clarification. At the outset, we would like to explain that the court is not taking regular matters at this moment. First of all, fresh matter which could not be listed earlier due to lockdown are listed for direction. After the fresh matter are exhausted, matter belonging to short categories which are ready for listing will be taken up. These matters will be taken up by way of video conferencing, teleconferencing. Urgent matter can be taken up by the court after a mention by the AOR through e-filing. As you aware, in our cases, there are 43 right petition and 3 contempt petition tagged together. All the petitioners have to be heard by the court. On the other hand, the government or EPFO will not be in favor of an early hearing. Further, all the petitioners may not be able to agree to video conferencing or attend the video conferencing as they are scattered all over India. This is another risk. We will not be knowing as to what happened in the court, which advocate from our side spoke or appeared and what he argued. Then there is a problem of briefing the senior advocate. Going by the previous track record, when the AG had submitted a blatant lie before the court that the impact of implementation of R.C. Gupta judgment would be 15 lakh rupees crore, we cannot take a chance before the virtual court and argue through video conferencing. We have also discussed with our AOR, who is also not in favor of hearing before the virtual court. In these circumstances, we think that we should wait for the normal functioning of the court and make a mention before the court after regular hearing is resumed. This may take another couple of months, but in view of the stake involved, we have no other option. Regards, Surjit Singh, Honorable Legal Advisor, NCR, Gurmukh Singh, President, NCR. तो ये दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर दाखिल है जिनमें 43 राइट पिटिशन है और 3 कंटेम पिटिशन है, तो इनके ऊपर जो सुनवाई है तो वर्चुअल कोर्ट में जो है वो ना हो ऐसी यहाँ पर इनके द्वारा सलाह दी जा रही है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो केसेस है तो इनके जो पिटिशनर्स है तो वो ऑल ओवर इंडिया से बिलोंग करते हैं। ऐसे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इन केसेस के ऊपर जो सुनवाई होने वाली है तो उसे अटेंड करने में दिक्कत आ सकती है। इसकी वजह से यहाँ पर इनके जो एओआर है तो उनकी इसकी वजह से इनके जो एओआर है तो उनकी तरफ से भी सलाह दी जा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग नॉर्मल रूप से शुरू हो जाएगा तब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस है तो वो सुनवाई के लिए यहाँ पर रखी जाए, ऐसा यहाँ पर अपडेट है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस है तो उनके ऊपर सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाए,
और ईपीएफ 95 पेंशन धारकों की जो पीओआर है तो उनकी तरफ से भी यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि ईपीएफ 95 पेंशन धारकों की केसेस के ऊपर जो सुनवाई है तो जो सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो एओआर है तो उनकी तरफ से भी सजेशन दिया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो केसेस है तो जब सुप्रीम कोर्ट का जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल रूप से शुरू हो जाएगा तब इनके ऊपर सुनवाई हो। तो यार दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है तो उनके संदर्भ में ये जो अपडेट यहाँ पर दिया गया था तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।